वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, हमारे चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि मैम एस लिख कर बताइए, जिसके आधार पर मैं एस लेटर लिख कर बता रही हूँ। आप भी इसे देख कर आसानी से बना सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और बनाने की कोशिश करें, आपसे भी आसानी से यह बन जाएगा। तो पहले आप चैन ले लें 25, उसके आधार पर आपको बनाना है, बारीकी से उसमें फंदे ले लेना है। तो दोस्तों, मैं बहुत सारे डिज़ाइन अपने चैनल पर अपलोड की हूँ, जिसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके आधार पर आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे डिज़ाइन को देख सकती हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बनाकर बताई हूँ ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ में इसे शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा डिज़ाइन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच पाए और वो दोस्तों भी देखकर बनाना आसानी से सीख जाए। तो दोस्तों देखिए, बारीकी से मैं फंदे तैयार कर ली हूँ, उसके बाद से आपको किनारे में तीन टुप तैयार करना है।
तीन टोया आप तैयार करके आपको उसमें जिस भी कलर से आप लिखना चाहती हैं वर्ड को, मैं रेड कलर से लिख रही हूँ, तो आपको गांठ लगाकर उसमें फंसा लेना है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो दूसरा फंदा जिसे आप नहीं बुन रहे उसको बीच में रखना है। देखिए उसको बीच में रखकर बनाना है ताकि आपका फंदा बीचों बीच से एक तरफ से दूसरे तरफ चल जाए। तीन टुक मैं ले ली हूँ, उसके बाद से आपको रेड को बीच में रख कर ले जाना है। वाइट से बनाइए, दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, बाकी आपके समझ में आसानी से आ जाएगी कि यह डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फिर उसके बाद आपको रेड कलर लगानी है। 2, 4, 5, 6 मैं 6 फंदे बना ली हूँ। दोस्तों ऊन को बीच में रखकर बनाने से ऊपर से ऊन नहीं आता है, नहीं तो आपका ऊन दिखने लगेगा, अगर बुनना पड़ेगा तो इधर से उधर दिखाई देता है, इसलिए उस ऊन को बीचों बीच डालकर फंदे लेना पड़ता है ताकि आपका ऊन बीच में ढक जाए और एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप बनाकर बताई हूँ, इसे आप आसानी से देखकर बना लीजिए। इसमें मैं पूरे इस शुरू से लेकर लास्ट तक बनाकर बताई हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अब फंदे को छोड़ देना है वहीं पे, ताकि अब उसके आगे आपको रेड से नहीं बनानी है, पीछे से आएंगे तो आपको फिर दूसरे तरफ से बनाना है, इसलिए रेड को आपको वहीं पर छोड़ देना है, वाइट को सिर्फ किनारे ले जाना है। मैं दूसरी तरफ से बना लूँगी, फिर रेड के सामने से आपको बनाना है। दोस्तों मैं इसे लिख कर स्टेप बाय स्टेप बताई हूँ, इसलिए ज़्यादा देर का वीडियो हुआ है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक देखें इसे। आप इसे स्टेप से कोई नेम भी लिख सकते हैं या पट्टी पर एक एक वर्ड लिखकर जो भी आप बनाना चाहती हो आसानी से बना सकती हैं।
तो आइए दोस्तों देखते हैं पूरा वीडियो कैसे बनाया गया है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखकर समझकर बनाते रहिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिए कि आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आप कोई वर्ड और भी बनाना चाहती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे ज़रूर लिख कर बताऊँगी। तो दोस्तों देखिए वीडियो।
तो देखिए दोस्तों, वर्ड पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं मैं कैसे कैसे करके पूरा वर्ड बनाई हूँ। इसी तरह आप भी इस वर्ड को पूरा बना सकती हैं। अब ये रेडी हो चुका है, एस पूरा मेरा परफेक्ट है। आप भी इस तरह से बना ले पूरा एस। देखिए दोस्तों, पूरा बन के रेडी हो चुका है। ये आगे की तरफ से है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें। ये पीछे की तरफ से है और ये आगे की तरफ से है। तो दोस्तों, नए नए डिज़ाइन के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो का इंतजार।